क्या आप ब्लॉगिंग सीखना चाहते हो? तो फिर मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच जाए। अगर आप कई महीनों से या फिर काफ़ी दिनों से ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपने काफ़ी सारे वेबसाइट्स या ब्लॉग बना के उनमें एक्सपेरिमेंट्स तो किए ही होंगे। तो इस दौरान जितने भी ब्लॉग्स या वेबसाइट्स आप बनाए होंगे उन सारे के सारे ब्लॉग्स को आपने गूगल सर्च कंसोल में ऐड ज़रूर किया होगा। मैंने भी ऐसा किया है। पिछले काफ़ी सालों से मैं ब्लॉगिंग फील्ड में हूँ और बहुत सारे डोमेन्स पर, बहुत सारे सब डोमेन्स पर मैंने एक्सपेरिमेंट किया है और उन सारे डोमेन्स को मैंने सर्च कंसोल में ऐड किया है। सर्च कंसोल में आपकी वेबसाइट का ऐड करना बहुत ही ज़रूरी है। तो इससे क्या होगा कि वो आपका जो साइट मैप है वो आप गूगल को, गूगल में सबमिट कर सकते हो। फिर अगर आपका कोई पर्टिकुलर आर्टिकल इंडेक्स नहीं हो रहा है वो भी आप मैनुअली फोर्सफुली अपडेट कर सकते हो, इंडेक्स के लिए आप रिक्वेस्ट भेज सकते हो। आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर आपके गूगल सर्च कंसोल में काफ़ी सारे ऐसे वेबसाइट्स पड़े हुए हैं जिनमें आप काफ़ी दिनों से काम नहीं कर रहे या फिर आने वाले दिनों में काम नहीं करेंगे या फिर वो डोमेन एक्सपायर हो गए बट कभी ना कभी आपने काम किया था, तो उस प्रॉपर्टी को, तो उन डोमेन्स को आप कैसे गूगल सर्च कंसोल से हटा सकते हैं। तो ये एक छोटा सा ट्यूटोरियल होने वाला है, ये बहुत ही यूज़फुल ट्यूटोरियल है। क्यों? क्योंकि आपको आपका जो गूगल सर्च कंसोल है उसमें से जो भी अननेसेसरी वेबसाइट्स है या फिर अननेसेसरी डोमेन्स है उनको हटा के उसको क्लीन रखना चाहिए ताकि मैनेजिंग पॉइंट ऑफ व्यू में आपको थोड़ा सा आसानी हो जाए। तो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला, अपने लैपटॉप का स्क्रीन शेयर करके आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड इसमें दिखाने वाला हूँ। तो चलिए बिना कोई देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ शांतनु और आप सभी को स्वागत है ब्लॉगिंग एंड यूट्यूब चैनल में, जहाँ पे मैं हिंदी में ब्लॉगिंग के बारे में जानकारी शेयर करता हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आप गूगल सर्च कंसोल से कोई भी प्रॉपर्टी को कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि मेरा जो गूगल सर्च कंसोल का डैशबोर्ड है इसमें मैं ऑलरेडी इन टॉपिक्स पे वीडियो बना चुका हूँ कि कैसे मैंने अपने bloggingand.com को DNS से वेरीफाई किया, फिर सबडोमेन को मैंने कैसे वेरीफाई किया, फिर DNS के अलावा भी क्या क्या ऑप्शन है उससे भी मैंने अपने एक डोमेन को वेरीफाई करके आपको दिखा दिया हूँ। अब मान लीजिए मुझे इनमें से कोई एक प्रॉपर्टी को डिलीट करना है। क्यों डिलीट करना है? जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हमारे जो मतलब टाइम टू टाइम हम शायद काफ़ी सारे वेबसाइट में एक्सपेरिमेंट करते हैं और आगे जाके शायद हम उन वेबसाइट्स को कंट्रोल नहीं करते या फिर नहीं चलाते, तो उन प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे रख के कोई फ़ायदा नहीं है। आप उन प्रॉपर्टीज़ को हटा दें तो आपको मैनेजमेंट में आसानी हो जाएगी। तो किसी भी प्रॉपर्टी को अगर आपको डिलीट करना है, सबसे पहले आप उस प्रॉपर्टी को क्लिक कीजिए। लेफ्ट साइड में आपका जो ऑप्शन है वहाँ पर आप स्क्रॉल करके एकदम नीचे चले आइए और वहाँ पे आपको सेटिंग्स बोल के एक ऑप्शन मिल जाएगा। सेटिंग्स में जाने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे प्रॉपर्टी एडेड टू अकाउंट, तो इसके अगेंस्ट में रिमूव प्रॉपर्टी बोल के एक ऑप्शन आ जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी को आप यहाँ पे क्लिक कर लीजिए, आपके पास ऐसा एक पॉपअप आ जाएगा। सिंपल तरीका है, आप यहाँ पे रिमूव प्रॉपर्टी में क्लिक कीजिए तो आप देख सकते हो वो प्रॉपर्टी रिमूव हो गया। मैं यहाँ पे लेफ्ट साइड में खोल के आपको दिखा सकता हूँ। जी हाँ, तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे रिमूव हो गया। तो हमने जो वेबसाइट ऐड किया था उसको हमने सर्च कंसोल से हटा दिया। तो इस तरीके का आपके सर्च कंसोल में भी अगर इस तरीके का वेबसाइट्स एडेड है जिन पे आप अभी काम नहीं कर रहे हो, जिन पे या फिर वो डोमेन एक्सपायर हो चुके हैं या फिर वो वेबसाइट पे आप काम नहीं करना चाहते, तो आप सिंपल तरीके से उन वेबसाइट्स को हटा के आपका जो सर्च कंसोल का जो डैशबोर्ड है उसको क्लीन रख सकते हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। ब्लॉगिंग, वर्डप्रेस और एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड आपका अगर कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं अपने चैनल में एक सवाल जवाब का प्लेलिस्ट स्टार्ट किया हूँ जिसपे इसी तरीके का आपके कमेंट्स के ऊपर ही मैं टॉपिक चूज़ करता हूँ और उन टॉपिक के ऊपर अच्छे से एक्सप्लेन करके डेडिकेटेड वीडियो में बना रहा हूँ अपने चैनल पे। तो इस वीडियो को यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरीके का नॉलेजेबल और यूज़फुल वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच जाए। तो चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।